सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स फॉर ऑल यूट्यूबर्स। अगर आप इन सेटिंग्स को नहीं करते तो आपका चैनल अधूरा रहेगा। और इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, वो करना एंड ये 3 सेटिंग्स करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो में आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां पर आपको जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। फर्स्ट, आप में से काफी पर्सन यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करने के बाद वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देते हैं और काफी चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो उन चैनल्स को वो सब्सक्राइब तो कर देते हैं बट उनको हाइड नहीं करते, वो पब्लिक रहते हैं, कोई भी देख सकता है कि आपने किसको सब्सक्राइब किया हुआ है, और इससे अच्छा भी नहीं लगता ना। तो आप उनको हाइड कैसे कर सकते हो वो जान लीजिए। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है, देन आपको योर चैनल पर क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको एडिट चैनल पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे ये 2 ऑप्शन नहीं आते, यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन बना हुआ था, आपको वहां पे क्लिक करना है। तो एडिट चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की साइड जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी, कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट। तो इन दोनों को प्राइवेट कर देने हैं। अगर आप इनको प्राइवेट नहीं रखोगे तो आपका सब्सक्रिप्शन कोई भी चेक कर सकता है आपने किस किस को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये सेटिंग्स इनेबल करने के बाद आपके चैनल पर कोई भी आता है और वो चैनल्स वाले सेक्शन में जाता है तो वो नहीं देख सकता कि आपने किस किस को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्राइवेसी लगा कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने ये सेटिंग ऑलरेडी किया हुआ था तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, आप डिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिख रहे हो वो सिलेक्ट करना है और आपकी वीडियो किस लैंग्वेज का है ये सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपकी यूट्यूब वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, इंप्रेशंस भी आ जाएंगे तो भी व्यूज नहीं आएंगे। वो क्यों? बिकॉज यूट्यूब को नहीं पता कि आपकी YouTube वीडियो किस लैंग्वेज की है, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। फिर YouTube जो हिंदी में देखना पसंद करते हैं उनके पास आपकी वीडियो को भेजेगा और ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं हुआ रहता, आपको करना पड़ता है। और आपका डिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में है वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद YouTube आपकी वीडियो को उनके पास भेजेगा जो हिंदी में वीडियो देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे को पता है काफी पर्सन ने नहीं किया होगा। YouTube स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और आप ये अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, काफी पर्सन यूट्यूब पर वीडियोस तो अपलोड करते रहते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट ही नहीं करते। ऑटो एंड व्हीकल वाला उसमें आता है, ये वाला सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो जिस भी कैटेगरी का आपका वीडियो होता है वो सिलेक्ट किया करो। तो सेटिंग क्या है अब वो जान लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब डिस्क्रिप्शन, अगर आप हिंदी में लिखते हो भाई हिंदी में ही लिखते होंगे क्योंकि आप वीडियोस हिंदी में बनाते हो, तो यहाँ पे आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सेव कर देना है। बट उससे पहले मैं चैनल्स में जाने के बाद आपको ये सब चीज़ें दिखा देता हूँ कि मैंने अपने चैनल की सेटिंग किस तरीके से की हुई है, आप भी इस तरीके से कर सकते हो। तो उसके बाद आपको सेव कर देना है। थर्ड, आई कार्ड एंड एंड स्क्रीन, ये आपको समझना, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मैं कहूँ कि ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक आ गया, आई कार्ड एंड एंड स्क्रीन को सही तरीके से लगाना आपको आना चाहिए, तभी आप अपनी YouTube वीडियोस पे ट्रैफिक ले सकते हो, जैसे मैं लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो की डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से थोड़ा ईजी हो जाता है इसलिए मैं आपको लैपटॉप से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कार्ड्स पर क्लिक करना है और ऊपर की साइड कोई भी कार्ड लगाना है, प्लेलिस्ट लगाना है, चैनल लगाना है, लिंक लगाना है, आप यहां से इजीली लगा सकते हो। आपको यहां से उसी टाइमिंग पर लेकर जाना है जहां पे आपने बोला कि ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे इस तरीके से आप इसको इजीली लेकर जा सकते हो। यहां पे टाइमिंग देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट टाइम आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां पे मैं प्लेलिस्ट लगा देता हूं। प्लेलिस्ट लगाने से क्या होगा कि यहां से मेरे उस प्लेलिस्ट पे ट्रैफिक चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं YouTube मास्टरी कोर्स का प्लेलिस्ट लगा देता हूँ। अब इसको मैं पीछे से प्ले करके देखता हूँ। देखने के लिए मिलते हैं। I don't know भाई, आप में से काफी पर्सन क्या करते हैं, जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है तो
अपनी वीडियो का लिंक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड आई बटन आ चुका है। कोई भी बंदा आएगा यहाँ पे क्लिक करेगा और मास्टरी कोर्स पर जा सकता है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके वीडियो पर क्लिक करके आप अपनी किसी भी वीडियो को आई बटन में ऐड कर सकते हो। अगर इसको आगे पीछे करना है तो कुछ इस तरीके से इजीली कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर लगाकर सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं एंड स्क्रीन पर चलता हूँ, ये ध्यान से समझ लेना। एंड स्क्रीन पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरा वीडियो लास्ट 20 सेकंड से प्ले हो रहा है। लास्ट 20 सेकंड पर ही आप एंड स्क्रीन लगा सकते हो और यहां से आप 10 सेकंड का स्किप कर सकते हो। तो अब यहां पर ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं। यहां पर मैं बोलने वाला हूं तब तक के लिए दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो। तो यहां पर दो वीडियो आपको परफेक्ट टाइम पर लगाना है। एलिमेंट पर क्लिक करता हूं, वीडियो पर क्लिक करता हूं। अभी ये मोबाइल से थोड़ा टफ हो जाता है बट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको बिल्कुल इसी लाइन पर लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद इसको यहाँ पर जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है कर सकते हो। एलिमेंट पर क्लिक करके मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ और इसको भी यहाँ पर इस तरीके से लेकर आ जाता हूँ। अब आपको यहाँ पर वो आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा वीडियो यहाँ पर ऐड करना है। तो आप चूज इस पे की स्पेसिफिक वीडियो पर क्लिक करके इजीली यहाँ पे कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं ये वाला वीडियो ऐड कर देता हूँ। ये वीडियो ऐड हो गया और यहाँ पे क्लिक करके जब ये ब्लू हो जाएगा तो यहाँ पे चूज स्पेसिफिक वीडियो पर क्लिक करके आप इजीली ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव नहीं करना है अभी। अब मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। मैंने लास्ट में बाय बोल दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ लाइन बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पीछे की साइड से इस तरीके से वापस भी लेकर आ सकता हूँ। पीछे की साइड भी ये नहीं आएगा। तो ये होती है कुछ इंटरेस्टिंग, आई मीन इस तरीके से व्यूअर को भी इंटरेस्टिंग लगता है। अब आप ध्यान से देखो, तो उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। फोर्थ, ये कोई सेटिंग नहीं है, ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ बिकॉज आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो। तो आप में से काफी पर्सन स्टार्टिंग में ये मिस्टेक करते हैं कि यूट्यूब पर अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। आपके 40, 50, 200, 300 व्यूज आते हैं और आप अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देते हो कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा घर ये है, आज मैंने ये वाला फोन बाय किया है। भाई अगर आप फोन बाय कर रहे हो तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो डालो, उस फोन के फीचर्स बताओ, ये मत बताओ कि मैंने फोन बाय किया है। लोग क्यों देखेंगे आपको? अभी तक आपका फेस वैल्यू नहीं है, लोग आपको जानते नहीं है तो आपके बारे में जानना पसंद नहीं करेंगे। आपको पहले फेस वैल्यू बनाना है, उसके बाद आप अपने बारे में बताओगे तो लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। फेस वैल्यू बनाइए, अपने YouTube चैनल को ग्रो कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ गाइज, ये 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जरूर कर लेना और ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।